तब 30,000 करोड़ की योजना कैसे 36,000 करोड़ में बदल गई, ये एक सोचने वाली बात है। कैसे 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना 36,000 करोड़ पहुंच गई, 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा। ललचाया जाता है चुनावी वायदों में ठीक उस तरह से जिस तरह से चूहे को फांसने के लिए एक रोटी का टुकड़ा पिंजरे में लटकाया जाता है और चूहा मतलब मतदाता उस रोटी के टुकड़ों को खाने के लिए अंदर घुसता है और फंस जाता है। दोस्तों मैं मनोज कुमार, मैं एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए खबर लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस खास खास व्यक्ति के बारे में जिसका ठेका 6,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया 80% पर, दूरी भी आधी कर दी गई। ये इतना बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला है जिसके बारे में कोई गोदी मीडिया बात नहीं करेगा, लेकिन हमारी पड़ताल आज बताएगी आपको गंगा एक्सप्रेस हाईवे का वो सच जो सच आपके सामने शायद कोई नहीं लेके आ पाया होगा। ये सच इसलिए भी जरूरी है, ये सच जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सच के पीछे सियासत के तार जुड़े हुए हैं। सियासत के तार इसलिए भी जुड़े हुए हैं, कौन किसको कितना बड़ा चंदा देता होगा या कौन किसको कितना बड़ा फायदा देता होगा, प्रश्न यहां से जन्म लेते हैं, प्रश्न स्वार्थ से जन्म लेते हैं, प्रश्न राजनीति से जन्म लेते हैं। और जब प्रश्न राजनीति से जन्म लेते हैं तब कुछ सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हो जाते हैं, वो भी देश की जनता के हित के लिए, देश की जनता के लिए वो सच जो उसके सामने आना चाहिए। काश वो सच वो मीडिया लेकर के आता जो नेचुरल मीडिया है, लेकिन अगर हम इस सच को 10-10 लोगों तक भी पहुंचाएंगे तो ये सच करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। खुलासा है अदानी के आज उस खबर पर जिसमें गंगा एक्सप्रेस वे का ठेका दे दिया गया है अदानी ग्रुप को। खबर क्या है पहले खबर बताऊंगा, फिर खबर की पड़ताल बताऊंगा, खबर को आराम से सुनिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है तो चिंता मत कीजिएगा, अगर वीडियो पूरा नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर जाइएगा। खबर यह है कि यूपी में अदानी ग्रुप पर मोदी सरकार की मोहर लग चुकी है। गंगा एक्सप्रेस वे के 80% हिस्से को पूरा करने के लिए स्वीकृति पत्र मिल चुका है। 594 किलोमीटर की लंबाई में से अदानी एंटरप्राइजेस बदायूं से प्रयागराज तक 464 किलोमीटर का निर्माण करेगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना का 80% हिस्सा है। अब इसके झूठ का खुलासा भी करूंगा। खास बात यह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि मोदी सरकार 3-4 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। यह 20 दिसंबर की ही खबर है। गौतम अदानी के अदानी ग्रुप पर मोदी सरकार की ये मेहर जमकर बरस रही है। अब गंगा एक्सप्रेस वे के 80% हिस्से को पूरा करने की जिम्मेदारी ग्रुप को दी गई है, वो तो आपको पता चल ही गया, इस खबर को दोहराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे की असली लंबाई क्या थी क्या नहीं थी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के मुताबिक अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को गंगा एक्सप्रेस वे के 3 प्रमुख हिस्सों के क्रियान्वयन को लेकर के उत्तर प्रदेश हाईवे औद्योगिक प्राधिकरण से स्वीकृति पत्र मिला है। अब इसमें जो जानकारी दी गई टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, ये कुछ और है, दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, इसमें एक डॉक्टर स्वाति हैं, वो दावा करती हैं अपने ट्वीट में कि अदानी के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का जो ठेका है अदानी के नाम कर दिया गया, 36,200 करोड़ की परियोजना का 80% काम अदानी को मिला। एक तरफ आर्थिक तंगी से परेशान है लोग, दूसरी तरफ अदानी अंबानी की दिन रात चौगनी तरक्की हो रही। ये प्रियंका सिंह का आया। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि टोटल जो 36,200 करोड़ रुपए का जो परियोजना है उसका सच क्या है, उसको भी खंगालेंगे, उसकी भी पड़ताल करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पे आज बड़ा खुलासा होने वाला है, कैसे 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना 36,000 करोड़ पहुंच गई, 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा, और किसके शासनकाल में इस परियोजना को एक ऐसी कंपनी से छीन लिया गया जो छीना गया, किस लिए छीना गया, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। सोचा कई बार इसका मैं खुलासा कर दूं, लेकिन थोड़ा समय। हाई कोर्ट के द्वारा ही मायावती के शासनकाल में ही इसको रद्द कर दिया गया था, गंगा एक्सप्रेस वे को। खबर यह है, अब इसके काउंटर खबर मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्रेस वे कितनी लंबाई का गिना जा रहा था और इस एक्सप्रेस वे की जो दूरी थी वो 60% कम कर दी गई।
ये खबर छपी है 29 मई 2009 को। उत्तर प्रदेश में एक फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। राज्य की मुख्यमंत्री मायावती की ग्रेटर नोएडा से बलिया तक की महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस वे परियोजना पर रोक लगा दी गई है। इस योजना के मुताबिक दिल्ली के सटे ग्रेटर नोएडा जैसे राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र से पूर्वांचल के बलिया जिले तक 8 लेन के एक्सप्रेस वे का निर्माण होना था। यह टोल टैक्स एक्सप्रेस वे गंगा नदी के किनारे किनारे बनना है। इसके संग संग औद्योगिक केंद्रों और व्यावसायिक परिसरों को विकसित करने की भी योजना थी। शुक्रवार को अदालत ने पर्यावरण के मुद्दे को आधार बनाते हुए इस परियोजना पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना के शुरू करने से पहले हर हाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। अदालत ने ऐसा कहा, सरकार को बड़ा झटका लगा। और जब यह ठेका जो था 30,000 करोड़ रुपए में जयप्रकाश एसोसिएट्स को दिया गया था, जयप्रकाश एसोसिएट को उस टाइम पर जो ये ठेका दिया गया था उसकी कुल लंबाई जो थी 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की थी। और उस टाइम ये कहा गया कि किसान विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, पर्यावरण का हवाला दिया गया, सब कुछ हवाला दिया गया। हाई कोर्ट ने इस को जो थी मंजूरी नहीं दी। क्या रहा कारण, क्या नहीं रहा, कौन इसका दोषी था, कौन नहीं था, एक्सप्रेसवे योजना जैसी बड़ी योजनाओं में क्या दलाली लेने और देने का खेल था या सियासत का खेल था या ऐसा कौन सा खेल था जो जनता को पता नहीं चला। ठेका 30,000 करोड़ में दिया गया था तब, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा का। और आज अदानी को 80% हिस्से की दावेदारी बताई जा रही है 594 किलोमीटर की, जिसका 36,600 करोड़ रुपया। 594 करोड़, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि 17,000 करोड़ का है, तब 30,000 करोड़ की योजना कैसे 36,000 करोड़ में बदल गई, यह एक सोचने वाली बात है। अदानी को ही ठेका 80% का क्यों मिला? अदानी जो कि तेल बनाते हैं, जिनका पोर्ट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ही नहीं। अंबानी बहुत कुछ काम करते हैं लेकिन हथियार बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हथियार का ठेका मिल जाता है। तो ये कहानी कुछ बुझी बुझी सी अजीबो गरीब तालमेल के साथ नजर आती है। राजनेताओं का और उद्योगपतियों का एक आपस का मेल खोलती है, जिसमें आम हिंदुस्तानी महंगाई के बोझ तले अपने घर के लिए राशन और तेल के लिए तरसता रह जाता है। सरकार को फ्री की सब्सिडी मिल जाए उसके खाते में, उसके लिए बस वोट देता फिरता है, या मंदिर बन जाए मथुरा में, या मंदिर बन जाए अयोध्या में, बस उसकी चाहत उतनी ही है। इसीलिए हिंदुस्तान काफी साल गुलाम रहा। उस गुलाम बनाने की प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार अच्छी तरह जान गई है कि मीडिया को भी खरीद लो क्योंकि देश प्रेम इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जुडिशरी को भी खरीद लो क्योंकि देश प्रेम से नाता किसी का नहीं है, सबको खरीद लो, विधायकों को खरीद लो, सांसदों को खरीद लो, सबका ईमान बिका हुआ है। सही बात तो यह है कि अंग्रेज आज भी होते तो देश आजाद ना होता। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी का मतलब बताया, लेकिन आज लोगों, आज नेताओं को देखिए तो आज की आज़ादी का मतलब है नेताओं का अपना भला करना, उद्योगपतियों का भला होना। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, देश की जनता को ललचाया जाता है चुनावी वायदों में, ठीक उस तरह से जिस तरह से चूहे को फांसने के लिए एक रोटी का टुकड़ा पिंजरे में लटकाया जाता है और चूहा मतलब मत्ता था उस रोटी के टुकड़ों को खाने के लिए अंदर घुसता है और फंस जाता है, फिर छटपटाता रहता है जब तक कि उसको जंगल में छोड़ नहीं दिया जाता। अदानी को ठेका दिया, कोई बात नहीं, बिजनेसमैन है, दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 30,000 करोड़ की योजना 36,000 करोड़ में, 6,000 करोड़ में किस लिए गई? ये 6,000 करोड़ रुपए किसको जाएंगे? हाई कोर्ट का जब उस पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है तो वो कौन व्यक्ति है कि जिसने वो हाई कोर्ट का ऑर्डर ना मान करके ये ठेका अदानी को दे दिया? क्या परेशानी जयप्रकाश एसोसिएट के साथ थी, या पर्यावरण की परेशानी थी, या पर्यावरण के क्लियरेंस अभी तक अदानी को मिल गए, या मोदी सरकार ने वो पर्यावरण के जो ऑब्जेक्शन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो हटा दिए? सवाल बहुत हैं, सवाल 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 पीछे छूट जाते हैं लेकिन सवाल खत्म नहीं होते, लेकिन उनके जवाब भी नहीं आते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।